हाय एवरीवन, मैं आपको दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज करेंगे Redmi K40 गेम इनहेंस एडिशन की अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्सिंग मेरा चाइनीज फ्रेंड बना रहा है। मेरे पास फोन ये ऑलमोस्ट मई 10 या मई 15 तक मिल जाएगा, तो हम प्रॉपरली टेस्ट करेंगे और अनबॉक्स हम आज कर देंगे। इस फोन में खास क्या है, पहला ये गेमिंग फोन बना है Redmi की तरफ से, प्लस इसमें डिमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर मिलता है जो 6 nm चिपसेट पे है। Realme GT न्यू में भी वही प्रोसेसर था, मैंने अनबॉक्सिंग की है, आप देख सकते हैं। साथ में इसमें आपको गेमिंग ट्रिगर्स मिलेंगे मैनुअली जो काफ़ी बढ़िया हैं, जो मैंने ब्लैक स्टार 4 में आपको दिखाए थे वो भी इसमें मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और देखते हैं। तो K40 का बॉक्स बहुत ही स्टाइलिश है, Redmi K40 गेमिंग इनहेंस एडिशन। इसमें आपको हाई रेस ऑडियो प्लस JBL सपोर्ट मिलता है जो बहुत बढ़िया है। 6 GB 128, 8 GB 128, 12 GB 128, 8 GB 256 और 12 GB 256 इसमें मिलते हैं। प्राइस मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो खुल जा सेम गेम स्टार्ट। थोड़ा बड़ा येलो कलर इसमें ऐड किया गया है जो रियलमी में होता था। क्या ये नकल मार रहा है, पर काफ़ी मेरे को बॉक्स काफ़ी स्टाइलिश लगा। यहाँ आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इसका सिलिकॉन का कवर है जो हम रख देते हैं। और ये हमारा निकला फोन, वाइट सिल्वर ब्लैक और एक स्पेशल एडिशन ब्रूसली एडिशन, वो अभी अवेलेबल नहीं था वरना मैं वो आपको दिखाया था। तो चार्जर भी इन्होंने येलो कर दी है, 67 वॉट का चार्जर है, 5065 mAh की बैटरी है, तो अच्छी बैटरी दी है। गेमिंग फ़ोन निकाला है तो इतनी बैटरी मेरे हिसाब से बनती है। और कंपनी क्लेम करती है ये 100% 42 मिनट्स में चार्ज कर देगा। इसमें मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा, टाइप सी शायद चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। थोड़ा येलो कलर ये जचा नहीं इतना, वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, शायद गेमिंग फ़ोन करके इन्होंने किया है। जो इसकी डाटा केबल है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। इसमें एक तरह से इन्होंने जो IQ के स्टार्टिंग में फ़ोन आते थे उसकी तरह मुझे डाटा केबल लगी है। तो आप देख सकते हैं इजीली चार्ज कर सकते हैं, अगर आप गेमिंग कर रहे होगे तो आपको वो बीच में तार फंसेगी नहीं, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ कैसे मतलब चार्ज होगा ये। वैसे IQ के स्टार्टिंग्स के फ़ोन्स में काफ़ी आया था, अगर आपने मेरे IQ की अनबॉक्सिंग देखी है चाइना वाले मॉडल से, तो शायद IQ 3 में भी आया था ये, देखिए। तो इसमें आपको ईजिली हैंडल मतलब पकड़ सकते हो चार्जिंग के साथ गेमिंग करते हुए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव है। और गेमिंग में अगर ये मिले तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बढ़िया लग रही हो वीडियो तक लाइक भी कर देना इतने एफर्ट के लिए। फ़ोन की बात कीजिए तो 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले के साथ आता है, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20x9, काफ़ी लंबा फ़ोन लगेगा आपको। बॉटम की बात कीजिए तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर जो JBL सपोर्टेड है, माइक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। वाइट कलर रियली काफ़ी बढ़िया लग रहा है, गेमिंग स्टाइल में ये फ़ोन बनाया है। लुक्स आप देख सकते हैं, जो इसके साइड्स पे थोड़ा बनाया हुआ है फाइटिंग बीच में लिखा हुआ है। कैमरा बम्प भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी छोटा है, ट्रिपल कैमरा के साथ आता है विद फ्लैश। तो कैमरे की बात हम आगे जाके करेंगे और देखेंगे, लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो ब्रूसली एडिशन है वो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मगर अनलकली नहीं मिला। टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, JBL का पोस्टर, पहले आता था हार्मन कार्डन, अब JBL, तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। आईआर ब्लास्टर मिलता है प्लस नॉइस कैंसिलेशन, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा विद दो मैनुअल ट्रिगर्स, जो ब्लैक स्टार 4 में भी सेम ऐसे मिलते हैं। ट्रिक ट्रिक की आवाज़ भी आती, काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। और वैसे मैंने ब्लैक स्टार 4 की अनबॉक्सिंग कर दी है मेरे चैनल पे, ऊपर आई में दे दिया, आप देख सकते हैं सेम ट्रिगर्स दिए गए हैं। वो थोड़ा महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है। इसको आप प्रेस करोगे तो आपका गेमिंग जोन ओपन हो जाएगा, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब मैं सोचता था 20 से 30 हज़ार के बीच में गेमिंग फ़ोन्स आने चाहिए, तो वो अब आ रहे हैं। शाओमी लाया है तो रियली शाओमी कमाल करता है। 8.3 mm थिकनेस है, बहुत ही लाइट वेटेड फ़ोन लगा मुझे, प्लस सिर्फ 205 ग्राम का ये फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर वॉल्यूम की मिलेगा और तो लुक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, प्लस सिंगल पंच होल भी इसमें मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं इस फ़ोन का सिम ट्रे। तो इसमें आपको 128 256 GB मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है, और जो सिम कार्ड है उसमें सिर्फ 2 nano SIM का सिम का ही सपोर्ट मिलेगा, मतलब नो माइक्रो SD कार्ड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो 256 GB मैं कहूँगा प्रेफर कर सकते हैं, वरना 128 में स्पेस भरी जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म नहीं लेना तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी प्राइस मेरे को सही लगी, इंडिया में देखते हैं ये लाते हैं पोको के नाम पे या नहीं, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, मगर ले आए तो रियली कमाल का डिवाइस हो जाएगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो अबाउट फ़ोन जाके एक बार पढ़ लेते हैं। तो इस फोन में मिलता है Dimensity 1200 जो एक न्यू चिपसेट है MediaTek की तरफ से, 6 nm बेस पे। साथ में Android वर्जन 11 मिलता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, 8 GB RAM, 6 GB RAM और 12 GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। देखते हैं वैसे इंडिया आता है या नहीं, इंपोर्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, मतलब अगर 8 GB वाला भी आप इंपोर्ट कराते हो तो 32,000 के पास आ जाता है। प्लस इसमें आपको MIUI 12.5 इनबिल्ट मिलता है, आपको अपडेट नहीं आएगा, इनबिल्ट मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और काफ़ी अच्छा मैंने इसका रिस्पॉन्स सुना है लोगों की तरफ से,
OLED डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है, प्लस हाई रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो मेरे हिसाब से जो गेमिंग करते हैं उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। हाई रिफ्रेश रेट मुझे रियली काफ़ी बढ़िया लगा। बस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, मगर पता नहीं उस पर आजकल ये शाओमी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एमोलेड के साथ क्यों दे रहा है। एंड्रॉइड ट्राई करते हैं तो कंपनी ने क्लेम किया था 7,24,000 और हमारा स्कोर आया 6,70,000। तो इस प्राइस रेंज में मतलब 23,000 के फ़ोन में मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया है। अबाउट फ़ोन बारे पढ़ लेते हैं एक बार इसके। मीडिया टेक डिमेंसिटी 1200 रेंडर्स माली G77 जो काफ़ी बढ़िया है, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन जो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। CPU कोर 8 8GB रैम है, UFS 3.1 इसमें मिलता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ लगेगी काफ़ी लोगों को, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, डेंसिटी 440 DPI और पिक्सल डेंसिटी 399 PPI, 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है वो मैं आगे बताऊंगा, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5065 mAh की बैटरी और 67W का इसमें चार्जर दिया गया है जो इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको, और NFC ये सपोर्ट करता है और काफ़ी सेंसर्स इसमें सपोर्ट करते हैं जो बढ़िया हैं। तो आगे देखते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो इस फ़ोन में मिलता है आपको ट्रिपल रेयर कैमरा जो थोड़ी कंजूसी लगी मुझे। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, साथ में मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और लास्ट है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो मेरे हिसाब से जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उसमें इतने कैमरे बढ़िया नहीं होते, तो शाओमी ने भी वही सेम चीज़ की है, मगर कैमरे पर फोकस करें तो काफ़ी बढ़िया होगा। जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा टेस्ट नहीं मैं करूँगा, मगर आपको जल्दी इसके रिव्यू ज़रूर दूंगा कि कैसा है इसका कैमरा और कितना जूम मिल जाता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। नॉर्मली 2x का जूम है, मगर अगर आप डिजिटल जूम की बात करो तो आपको मैक्सिमम 10x का डिजिटल जूम मिल जाता है। तो कैमरे से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस फ़ोन की, मगर फ़ोन मुझे काफ़ी ही बढ़िया लगा। बाकी जब मेरे पास आएगा ये फ़ोन मई में तो मैं इसका प्रॉपर कैमरा टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कितना बढ़िया कैमरा दिया गया है इस फोन। तो ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो मुझे फ़ोन काफ़ी पसंद आया गेमिंग एस्पेक्ट की तरह और इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली। 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट है, 480 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट जो काफ़ी बढ़िया है, साथ में इसमें 11,540 mm2 एरोस्पेस स्टीरियो हीट मिलती है और VC कूलिंग का भी सपोर्ट मिलता है कि फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मीडिया टेक के फ़ोन थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो होपफुली ये भी ना हो। कैमरा में मुझे थोड़ी कंजूसी लगी है, प्लस 3.5 mm ऑडियो जैक ज़रूर देना चाहिए था एज पर गेमिंग एक्सपेक्ट। बाकी जो इसके ट्रिगर्स हैं मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, मैं ब्लैक शार्क 4 में यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया रहते हैं एज पर टच, बस थोड़े से वो ओपनिंग में भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली धांसू सी अनबॉक्सिंग के साथ या रिव्यू के साथ जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।